शारदे की वंदना के बाद मैं ये चाहता हूँ भाई मुरली नायर से अनुमति लेते हुए, श्रीमती शशि दुबे ने पांचवी, छठवीं, सातवीं इसी सूर्य नारायण में पढ़ी, इसी शहर में पढ़ा है। इनके पिताजी यहाँ लेक्चरर रहे, जो बुज़ुर्ग हैं वो शायद जानते हों, स्वर्गीय नीलानंद जी झा उनकी ये सुपुत्री हैं। बॉटनी में MSc हैं, लिंग्विस्टिक में MA हैं, कविताएं लिखती हैं, पढ़ती हैं, लेकिन कवि सम्मेलनों में नहीं, वैचारिक मंचों पे पढ़ती हैं। क्योंकि ये स्कूल में कार्यक्रम हो रहा है और एक सेवानिवृत्त प्राचार्य जो पांचवी, छठवीं, सातवीं इसी शहर से, जब उस समय श्री नारायण गांव था, न माल थे न ऐसे बाजार थे, छोटी संकीर्ण गलियों में अपने बचपना गुजार के सिर्फ आज श्री नारायण देखने आई हैं कि मेरा बचपन का गांव कैसा है। ये अलग बात है कि उनका गांव बचपन का इस शहर के भीड़ में खो गया है। आज राम मंदिर से लेकर नौका और नदी सब कुछ वो देख के आई। मैं उनसे अनुरोध करूँगा, क्योंकि मैं तो जीवन भर अनुरोध ही करते रहा, कि वो आए और अपनी एक कविता उन बच्चों को दें। और वो पालक जाने कि जिन्होंने अपना बचपन यहाँ गुजारा है, पांचवी, छठवीं, सातवीं पढ़ा है, वो डॉक्टर सुरेंद्र दुबे की पत्नी है, ये उनके लिए गौरव की बात हो ना हो, मेरे लिए गौरव की बात है। इससे पहले मैं कुछ बोलूं, माँ शारदे की वंदना कर लूं, आप सभी विद्वत जनों का अभिनंदन कर लूं। माँ शारदे से विनती करती हूँ, विनती है माँ तू शारदे जीवन संवार दे, शब्दों को मेरे भावों का सुंदर सिंगार दे, जब भी कलम लेकर के मैं लिखने को बैठूं, मेरे हृदय में सूर या तुलसी उतार दे। मुझे मालूम है, मैं सबसे पहले आयोजकों का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि किसी भी काम को करने में तन लगता है, मन लगता है, धन लगता है, फिर भी लोगों से सुनना पड़ता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों से सुनते भी हैं और आपके चेहरे पे हंसी लाते भी हैं, तो इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और उन्हें से कहना चाहती हूँ कि किसी के आँख का मोती हथेली पर सजाते हैं, दुआओं से उन्हीं के जीवन की बगिया सजाते हैं। हम और आप जो कमाते हैं वो यहीं रह जाएगा प्यारे, ये वो दौलत कमाते हैं जो लेके साथ जाते हैं। साथ लेके जाने वाली ये दौलत कमाते हैं, क्योंकि किसी ने कहा है कि कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत मौत की नहीं सांस की होती है। अरे यूं तो दुनिया में जीते हैं बहुत से लोग, किंतु कीमत जीने की नहीं, जीने के अंदाज की होती है। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी जीने का मतलब खास होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। यूं तो खुशियां मनाने के मौके मिलते हैं बहुत सारे, किंतु खुशियां मनाने का अपना अंदाज होना चाहिए। तो आप सबके इस अंदाज को प्रणाम करती हूँ और सबसे अधिक धन्यवाद आप लोगों को देना चाहती हूँ, क्योंकि आज जब बेटा नहीं सुनता बाप की, किराएदार नहीं सुनता मालिक मकान की, युवा नहीं सुनते समाज की और चांद नहीं सुनता आफ्ताब की, ऐसे में आप हमको सुन रहे हैं, तो इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। इसलिए आपको चार लाइनें समर्पित करती हूँ कि आप जैसे लोग अब मिलते कहाँ हैं, आप जैसे लोग अब मिलते कहाँ हैं, प्रेम के पुष्प हृदय में खिलते कहाँ हैं, वो तो आप हैं जो हमें बैठकर सुन रहे हैं, वरना आज तो लोग किसी की सुनते कहाँ हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग सुन रहे हैं। बहुत सारी यहाँ पर बेटियाँ हैं, तो मैं बेटियों के लिए कहना चाहूँगी कि हल्दी मेहंदी कुमकुम का त्यौहार नहीं होता और रक्षाबंधन का पावन सा प्यार नहीं होता। अरे उनके घर का आंगन सूना सूना रहता है जिनके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। तो मैंने चार लाइनें लिखी थी,
अगर गंध ना हो पुष्प में, तो वह पुष्प की कोई कीमत नहीं होती। इसी तरह अगर ये हमारे चारों तरफ हस्ती खिलखिलाती बेटियां ना हो, तो ये दुनिया किसी के रहने के लायक नहीं होती। इन बेटियों के लिए मैं समर्पित करती हूँ। और अचानक मैं आपके समक्ष मैं यहाँ पर, पति लोगों का काम ही होता है परेशानी देना, तो मैं आपके समक्ष खड़ी हो गई हूँ। सिर्फ मैं अपनी इन बहनों से कहना चाहूँगी, एक संदेश की छोटी सी कविता सुनाना चाहूँगी, और मैं उनसे कहना चाहूँगी कि अपने अस्तित्व को पहचाने, अपने महत्व को पहचाने, अपने निर्णय करने की क्षमता को पहचाने। तो गंधारी नाम से मेरी यह कविता है। वैसे ये एक शिक्षण संस्थान है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि शिक्षा वह विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो मस्तिष्क में ठूंस ठूंस कर भर दी जाए और जो बिना आत्मसात हुए वहाँ वर्षों पड़ी रहे, वरन शिक्षा तो वह है जो हमारे चरित्र का निर्माण करती है, हमें उचित अनुचित में भेद करना सिखाती है, हमें संघर्ष में जीतना सिखाती है, हम में सिंह का साहस पैदा करती है। तो ऐसी शिक्षा देने वाला यह स्कूल, इसका नाम ही इतना अच्छा है, तो इसके लिए ये बहुत बहुत, इतने अच्छा स्कूल का नाम रखने के लिए भी ये बधाई के पात्र हैं और इतनी अच्छी शिक्षा देने के लिए भी। तो गांधारी शीर्षक से मेरी एक कविता है। मैं गांधारी से बात कर रही हूँ। आपको पता ही होगा कि इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें हमारे देश के सारे सूरवीर मारे गए, तो उसी के लिए मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर क्या होता तो ये युद्ध ना होता। तो मैं गांधारी से कह रही हूँ, गांधारी क्यों बांधी तुमने आँखों पर पट्टी और जुड़ गई धृतराष्ट्र के अंधत्व से? शायद उस परिवेश में तुम पतिव्रता थी, किंतु आज अंधकार से जुड़ने की बजाय अंधकार दूर कर देती तो वास्तव में पतिव्रता होती। खुली आँखों से देखकर स्नेह व ममत्व से भोजन कराती तो घृणा की विषबेल दुर्योधन के मन में पनपने से पहले ही नष्ट हो जाती। सीख जाता वह भी तुम्हारी तरह बड़ों का सम्मान करना, और तब इतिहास कुछ और कहता, भारत की इस पवित्र भूमि पर किसी नारी का ऐसा अपमान तो न होता। तुमने सोचा पति के साए में लिपट कर तुमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है, तो यह तुम्हारी भूल थी। अरे सच तो यह है गांधारी कि तुम्हारे आँखों की पट्टी ही महाभारत का मूल थी। सच तो यह है गांधारी कि तुम्हारे आँखों की पट्टी ही महाभारत का मूल थी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। जरूरी थी